हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के क्रिकेट करियर के बारे में। अब बात करते हैं इनके टेस्ट क्रिकेट करियर के बारे में। स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में 87 मैच खेले हैं और विराट कोहली ने 102 मैच खेले हैं। स्टीव स्मिथ ने 8161 रन बनाए और विराट कोहली ने 8074 रन बनाए। स्टीव स्मिथ का बैटिंग एवरेज 60.0 और विराट कोहली का 49.5। स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट 54.1 और विराट कोहली का 55.7। टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ने 28 शतक लगाए हैं और विराट कोहली ने 27 शतक लगाए हैं। अब बात करते हैं इनके ओडीआई क्रिकेट करियर के बारे में। ओडीआई में स्टीव स्मिथ ने 136 मैच खेले हैं और विराट कोहली ने 262 मैच खेले हैं। स्टीव स्मिथ ने 4722 रन बनाए और विराट कोहली ने 12344 रन बनाए। स्टीव स्मिथ का बैटिंग एवरेज 44.1 और विराट कोहली का 57.7। स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट 87.4 और विराट कोहली का 92.8। ओडीआई में स्टीव स्मिथ ने 12 शतक लगाए हैं और विराट कोहली ने 43 शतक लगाए हैं। अब बात करते हैं इनके T20 क्रिकेट करियर के बारे में। T20 में स्टीव स्मिथ ने 57 मैच खेले हैं और विराट कोहली ने 104 मैच खेले हैं। स्टीव स्मिथ ने 928 रन बनाए और विराट कोहली ने 3584 रन बनाए। स्टीव स्मिथ का बैटिंग एवरेज 26.5 और विराट कोहली का 51.9। स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट 125.7 और विराट कोहली का 138.4। T20 में स्टीव स्मिथ ने कोई शतक नहीं लगाया और विराट कोहली ने एक शतक लगाया है। टेस्ट, ओडीआई, T20 तीनों एक साथ कंपैरिजन। स्टीव स्मिथ ने अब तक कुल 280 मैच खेले हैं और विराट कोहली ने 468 मैच खेले हैं। स्टीव स्मिथ ने 13811 रन बनाए और विराट कोहली ने 24002 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने अपने क्रिकेट करियर में 40 सेंचुरियां लगाई है और विराट कोहली ने 71 सेंचुरियां लगाई है। स्टीव स्मिथ की नेटवर्थ 200 करोड़ और विराट कोहली की नेटवर्थ 980 करोड़।